हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिलाष वर्मा टेस्टबुक के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं NDA/NA के मैथमेटिक्स का स्ट्रेटेजी वीडियो। कैसे हमें मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है, कैसे हमें अप्रोच करना है एग्जाम को लेके। काफी बच्चे अब सीरियस हो रहे होंगे, राइट। तो हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में आज पूरी तरह से देखेंगे कि भैया कैसे पढ़ाई किया जाए, ठीक है। चलो फिर, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है। वो किसी बड़े आदमी ने कहा है ना कि किसी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो पेपर पैटर्न पढ़ना इज लाइक एग्जाम को पढ़ना, ठीक है। मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2.5 ढाई नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऑब्वियस सी बात है। 120 क्वेश्चन और ढाई नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है सर? बिल्कुल होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.83, ठीक है। और टाइम आपको मिलता है 2 आवर 30 मिनट्स। टाइम आपको कितना मिल रहा है, 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो 150 मिनट्स के आसपास आपको टाइम मिल रहा है। और 120 क्वेश्चन है, यानी समझ रहे हो, 1.25 मिनट पर क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग। बट आपको अगर सही अगर इसमें अटेम्प्ट करना है तो 120 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं मानता हूं। बट अगर आप 70+ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हैं, अगर 70 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हो तो आप फोड़ चुके हो। और 70 से जितना ऊपर जाओगे उतना खतरनाक रैंक, अच्छा उतना अच्छी तरीके से आपका रैंक वैंक आने वाला होगा, राइट। तो 70 इज वेरी गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। तो ऐसा डरना नहीं है कि अरे ढाई घंटा और 120 क्वेश्चन। दूसरी बात, क्वेश्चन का जो लेवल होता है ऐसा इतना भी भयंकर नहीं होता है कि आपको एक एक क्वेश्चन में 15 मिनट और 20 मिनट का टाइम लग जाए, राइट। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, कहानी आगे देखते हैं। ये 300 मार्क्स का होता है और आपको पता होगा कि जो जनरल वाला एग्जाम होता है, जनरल टेस्ट होता है, वो कितने का होता है, 600 का। तो टोटल 900 का पेपर होता है, राइट। हम लोग इस 300 में मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव किया जाए ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना बनता है, क्योंकि वहां से आपको पता चलता है कि कैसा, किस लेवल का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करा है तो आप दो बातों का ध्यान रखें, पहले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और दूसरा कि कहां कहां से ज्यादा और कम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लेवल वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि कहीं कहीं से आप देखोगे कि पिछले 3 सालों से या 3-4 बार से पेपर में 10-10, 20-20 क्वेश्चन आए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उस चीज को अभी अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। लेकिन यूपीएससी ये पेपर कंडक्ट करवाता है। ये पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी। अब यूपीएससी अगर ये पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो कभी भी सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल सकता है पेपर में, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऐसा कि आप ये नहीं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 20 क्वेश्चन आ रहा है तो हम वो पढ़ के चले गए और कभी हो गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आपको वो मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखना होगा, ठीक है। लेकिन लेवल तो सेम ही रहेगा। लेवल में कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई लेवल आ जाए और बहुत ईजी लेवल आ जाए। जो लेवल आते आ रहा है वही लेवल आता है, 19-20 का फर्क होता है। तो एनालाइज करो प्रीवियस ईयर पेपर को और दो चीज देखो कि कौन से चैप्टर से कौन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है इन्होंने, दूसरा लेवल क्या है क्वेश्चन का। जब तुम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि 30-35 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल वर्बली मैनुअली मतलब बन जाएगा, बहुत मेहनत किए बिना, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला यूज करके या मोजवानी कुछ लॉजिक लगा के ही 30-35 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही एनालाइज करते हो, जब तुम अपने बनाते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे अपने बन जाएगा और शायद बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे ना बने। उस केस में कौन सा बुक उठाना है, सबसे पहला बुक उठाना है एनसीईआरटी। ऑब्वियस कौन सा क्लास का, 11 और 12 का एनसीईआरटी को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। यही सिलेबस में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये पढ़ ले वो पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ो अगर टाइम परमिट कर रहा है। अगर टाइम ही नहीं है तो एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, जितना मॉक टेस्ट पॉसिबल होगा उतना दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मॉक टेस्ट दे दिया और चिल हो गए, ऐसा नहीं।
जितना पॉसिबल है उतना मॉक टेस्ट दो और हर मॉक टेस्ट के बाद सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट हर मॉक टेस्ट के बाद सेल्फ एनालिसिस करो। और मॉक टेस्ट जब तुम घर में बैठ के दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि ढाई घंटे के टेस्ट में अगर तुम ऑनलाइन दे रहे हो तो इट्स फेयर एनफ कि तुम 2:30 वो टाइमर रहता है, लेकिन अगर तुम घर में बैठ के पेन पेपर पे दे रहे हो, बहुत लोग देगा तो पेन पेपर पे वो ढाई घंटा के बीत जाने के बाद तुम सोचोगे 10 मिनट और बना लेते, वो मत करना। डिसिप्लिन तो तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए भैया, तुम सबसे रिस्पेक्टेड जॉब में जाने वाले हो, ऐसे ही रिस्पेक्ट आ रहा है मेरे को, ठीक है, तुम सबसे रिस्पेक्टेड जॉब में जाने वाले हो, देश की डायरेक्टली रक्षा सेफ्टी का कंसर्न तुम्हारे ऊपर है, तो तुम में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, ऑनेस्टी तो होना ही चाहिए, तो उस ऑनेस्टी के साथ मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, ठीक है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है इन दिनों प्रिपरेशन, जब एग्जाम नजदीक आ रहा हो, माइंड मैप बना लो चैप्टर वाइज। माइंड मैप को तुम कहीं ना कहीं फॉर्मूला शीट भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने फॉर्मूला शीट का वर्ड यूज इसलिए नहीं किया बिकॉज कुछ चैप्टर्स होंगे जहां पे कोई फॉर्मूला नहीं होगा, बट जहां पे कुछ लॉजिक होगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, थ्योरम टाइप कि इफ ये देन ये, तो वो माइंड मैप में जरूर लिख लो। और माइंड मैप चैप्टर वाइज बनाने के लिए कोशिश करो, दो माइंड मैप अगर बना सकते हो, एक चैप्टर वाइज और एक 3-4 पेज में पूरा मैथमेटिक्स 11-12 को ऐसा बना दो, अगर बना सकते हो तो वेरी गुड। रिविजन के टाइम बहुत हेल्पफुल होगा, जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट के जस्ट पहले अगर तुम्हें कोई चैप्टर दिमाग में ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करना चाहिए तो जस्ट माइंड मैप देखो, रिवाइज करो और जस्ट अटेम्प्ट द पेपर, राइट। प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि पहले क्या बाद में क्या, ये बहुत मेन चीज है, ठीक है, ये बहुत मेन चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पेपर अटेम्प्ट किया, कुछ बच्चों का आदत होगा क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन 120 तक जाएंगे, अच्छी आदत है, ऑर्डर बहुत अच्छा है, बट मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ये पता है कि तुम मैट्रिक्स में फोड़ सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आए कर लोगे और जल्दी कर लोगे, तो पहले तुम्हें वो अटेम्प्ट करना चाहिए। और ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम भी, कि अगर तुम मॉक टेस्ट दिए या प्रीवियस ईयर पेपर दिए और तुम्हें पता चला कि ये चैप्टर में क्वेश्चन भले ही नंबर कम आ रहा है, 5 ही क्वेश्चन आ रहा है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, उस 5 क्वेश्चन को करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लग रहा है या सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लग रहा है, तो इस चैप्टर में 5 ही क्वेश्चन आ रहा है, बट डू दिस चैप्टर, क्यों, क्योंकि बहुत इजी आ रहा है और टाइम कम लग रहा है, ठीक है। टाइम अगर कम लग रहा है तो तुम ये टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। दूसरी बात, कोई भी एग्जाम हो हमारे इंडिया में 3 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 3 लेवल का क्वेश्चन रहता है, इजी, मॉडरेट और, ठीक है, अगर मैं लिखूं तो इजी, मॉडरेट और थोड़ा सा डिफिकल्ट लिख सकते हैं, राइट। कोई भी एग्जाम में तीनों ही टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट होता है। इजी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा 10-15%, डिफिकल्ट मिलेगा 5-10%, लेकिन मॉडरेट 70-75% मॉडरेट क्वेश्चन होता है। अगर कोई बंदा या बंदी कोई भी एग्जाम का अगर बात करे, उसमें उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है और कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस कहानी वहीं सेट है। डिफिकल्ट को छुओ ही मत, कौन बोल रहा है छूने यार, 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तुमको कौन बोल रहा है 120 क्वेश्चन करने, तुम मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, फोड़ रहे हो, तो तुम इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को ढूंढ लिए अगर, और ढूंढने में बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्वियस ही बात है, और ढूंढ के सिर्फ उतना क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, क्लासिक नंबर आने वाला है, डिफिकल्ट तो छूना ही नहीं है, ठीक है। तो वो जरूरी है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में, प्रायोरिटी वही है कि क्या पढ़ना है। ऑब्वियस ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैप्टर का वेटेज जो मैंने बताया कि 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, बट वो 2 क्वेश्चन इतना आसान आ रहा है कि 1 मिनट में खत्म हो जा रहा है, तो वो चैप्टर पढ़ लो, हो सकता है वो चैप्टर ईजी हो। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है उसके हिसाब से भी देखो कि कौन सा चैप्टर में कितना इनपुट दे रहे हो और उसका आउटपुट कितना आ रहा है। कोई चैप्टर में अगर इनपुट कम है, आउटपुट बहुत आ रहा है, तो उस चैप्टर को प्रायोरिटी करना चाहिए। कोई चैप्टर में आउटपुट बहुत लग रहा होगा और इनपुट आ रहा है 2 नंबर 2.5 नंबर 1 क्वेश्चन, तो उसको लास्ट में करना, ये होता है प्रायोरिटी, ठीक है। इसका पूरा लिस्ट बना लो, एक शीट बना लो, एक पेपर में लिख लो, जैसे भी अगर तुम टेक से भी हो तो एक्सेल शीट बना लो, अगर पेपर में लिखते हो तो एक लिस्ट बना रहा हो, उसमें टिक मार करो, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी। ऐसा कैसे पता चलेगा प्रायोरिटी, प्रीवियस ईयर जब बनाओगे, मॉक टेस्ट जब दोगे, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, तुम्हें कौन कितना आता है, तुम्हारा सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन है और वेटेज उसका कैसा है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया,
एवरी मॉक टेस्ट के बाद सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि तुम्हें कोई चैप्टर लेटर सपोज ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, ऐसा तुम्हें लगता है. जब तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं बना, 20 क्वेश्चन था और तुम 8-9 क्वेश्चन बना के ढेर हो गए, राइट? तो वहां पे तुम्हें ध्यान देना है. सेल्फ एनालिसिस उसी को बोलते हैं कि मॉक टेस्ट खत्म करने के बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज अगर मिल जाए तो प्रैक्टिस करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है. कोई चैप्टर ऐसा है जो तुम पढ़ के गए लेकिन कुछ याद ही नहीं रहा, ठीक है? तो तुम्हें ये देखना है. तुम ये भी देखना है कि कोई चैप्टर कैलकुलस है. अब कैलकुलस के क्वेश्चन में हो सकता है इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लग जाए, तो तुम्हें ये पता है कि अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद टाइम कम हो जाए, तो उसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो तुम्हें ये सब एनालाइज करना है कि तुम्हें कौन से चैप्टर में बहुत टाइम लग रहा है, तुम कौन सा चैप्टर से कॉन्सेप्ट आता है बट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और कुछ को ऐसा होगा जो क्वेश्चन देखे कुछ समझ ही नहीं आए, तो ठीक है उसको लास्ट में प्रायोरिटी देना है. पहले तो वो करना है जो तुम कर सकते हो, बाद में वो करना है जो तुमने अभी तक नहीं किया. पहले वो करना है जो तुम कर सकते हो, जो कैलिबर है तुम में, जो तुम्हें आता है उसको स्ट्रांग करना है. फिर उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करना है कि वीक एरियाज को स्ट्रांग की तरफ ले जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर छूटा हुआ है कि PMI, सर मेरे को PMI समझ में नहीं आया तो मैं PMI पे 2 दिन लगा रहा हूँ, ना वैसा नहीं करना है. अगर तुम कैलकुलस में आउट ऑफ 180 पे हो तो पहले उसको 90-95 करो और फिर PMI पे जाओ, राइट? ये मेरे अकॉर्डिंग है. स्ट्रैटेजी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन ये वर्क करता है, ठीक है? एक कोट है मिस USA, ठीक है, इनका, जो मुझे बहुत पसंद है. डू नॉट फियर फेलियर बट प्लीज बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट. एक बार फिर से सुन लेना, डू नॉट फियर फेलियर बट प्लीज बी टेरिफाइड ऑफ रिग्रेट. फेलियर का कोई डर वर मत रखो, ठीक है? फेल होने से कोई डरना है ही नहीं, लेकिन फेल होने के बाद जो पछतावा आएगा उससे डरो, क्योंकि जो अफसोस होता है यार वो भयंकर होता है, भयंकर डर से भी भयंकर होता है. तो इतना मेहनत करो कि वो फेज ही नहीं आए जिसमें तुम्हें पछताना पड़े, और अभी तुम्हारे पास टाइम है. और मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम उस फील्ड में जाने वाले हो जहां डिसिप्लिन ऑनेस्टी की जरूरत है, तो अभी से ही तुम उस चीज, उस स्किल्स को, उस पर्सनैलिटी को इनकलकेट करो अपने अंदर, ताकि बाद में भी तुम्हें वो मजा आने लगे, राइट? तो यही है आज का सेशन में, इतना ही. आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस टू यू. कुछ चीजें आपको पता चली होंगी, आपको आपके लर्निंग कर्व में कुछ चीजें इंक्रीज हुआ होगा, राइट? तो अभी के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेस्टबुक.com. ओके, बाय बाय.